रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी पास्ता। चलिए आइए इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं इनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कीमा 1/2 kg। लिए आप मटन या बीफ का ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिया बीफ का। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट हसबे ज़रूरत और ग्रीन चिली ली है चॉप की हुई। और इसके बाद हम लेंगे काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये भी हसबे ज़रूरत। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, यहाँ पे मैंने लिए 1.5 टमाटर चॉप किया हुआ। यहाँ पे लेंगे चॉप किया हुआ अनियन 2.5 मीडियम साइज के लिए। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थे हमारे कीमा बनाने के इंग्रेडिएंट्स। आते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ। यहाँ पे पास्ता स्पैगेटी के इंग्रेडिएंट्स बताते चलो। यहाँ पे पास्ता स्पैगेटी मैंने एक एक पैकेट लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च ब्रिक स्लाइस में कटी हुई, मटर लिए हंस पे ज़रूरत। इसके बाद हम लेंगे गाजर, उनको भी स्लाइस में कट कर लिए। देन यहाँ पे मैंने कैबेज ली है, गोभी ली है, इसको भी मैंने ब्रिक स्लाइसेस में कट किए। देन यहाँ पे हंस पे ज़रूरत हम डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। फाइनली ये थे हमारे इंग्रेडिएंट। चलिए आइए मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक पैन में हसबे ज़रूरत जो है वो ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे प्रेयर करने लगी हम कीमा। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगता है हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। आपको नज़र आ रहा है 4 से 5 मिनट बाद प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। देन इसके बाद हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे और इसके बाद हम अब हसबे ज़रूरत जो है वो पानी डाल देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वापस में गल जाएं। ये 2 से 3 मिनट पकने के बाद पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हसबे ज़रूरत काली मिर्च और गर्म मसाला पाउडर। देन हम इसमें डाल देंगे हसबे ज़रूरत नमक। इन तमाम चीज़ों जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन हम इसमें अब डाल देंगे एट द एंड कीमा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 5 मिनट कीमे को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह भून लेना। अच्छी तरह भूनने के बाद हमने इसमें हसबे ज़रूरत जो है वो पानी ऐड कर देना है और 10 to 15 मिनट्स के लिए हमने कवर करके रख देना, जब तक जो है ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। ये अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने स्पैगेटी पास्ता को बॉइल्ड करना है। इसमें हसबे ज़रूरत पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक और ऑयल। उसका पर्पज़ ये है कि नूडल जो हैं आप इसमें स्टिकी ना हो, जुड़े ना। मैंने पास्ता इसमें ऐड कर दिया, देन इसमें स्पैगेटी है वो बीच में से ब्रेक करके डाल दिया और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम हला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पानी में डिसॉल्व हो जाए। 2 to 5 मिनट बाद हमने इसको ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लेना है। देखिए हमारी पास्ता स्पैगेटी जो है वो ज़रा भी स्टिकी नहीं हुआ आप इसमें। हमने थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन में हसबे ज़रूरत ऑयल डालने के बाद 1 by 1 जो है वेजिटेबल जो है हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे गाजर और मटर मैंने फर्स्टली फ्राई किए, ये ज़रा टाइम टेकिंग होते हैं। इसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, ये 1 से 2 मिनट आप इनको फ्राई कर लें। फिर ज़रूरत हम इसमें काली मिर्च और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देंगे। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। देन हम इसमें डाल देंगे कीमा और कीमा डालने के साथ साथ आप इसको हलाते जाएं।
बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग पास्ता स्पेगेटी जो है वो देखने में आपको नज़र आ रही है, और आप इसको जब ट्राई करेंगे और जब ट्राई करके खाएंगे तो होप्स इसे ज़्यादा डिलीशियस जो है वो खाने में आपको लगेगी। 2 मिनट आप भून लें और यहाँ पे कीमे और वेजिटेबल का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब एट द एंड हम इसमें डाल देंगे स्पेगेटी पास्ता। स्पेगेटी पास्ता देखें जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ, ज़रा भी आप इसमें स्टिकी नहीं हुई है और बहुत ही अलग अलग जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। फाइनली यहाँ पे हम स्पेगेटी पास्ता और कीमे के मिक्सचर को आप इसमें मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ही स्लोली स्लोली इसमें मिक्स करने हैं ताकि हमारी जो स्पेगेटी है वो ब्रेक ना हो जाए। ईजीएस्ट वे में स्पेगेटी पास्ता जो है वो घर पे इजीली रेडी हो जाता है, स्पेशली फॉर बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं इसको। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। फाइनली यहाँ पे स्पेगेटी पास्ता, वेजिटेबल्स, कीमा जो है आप इसमें मिक्स हो चुका है। सो अब हम इसमें 1 by 1 जो है वो सोया सॉस और चिली सॉस अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें डाल देंगे। आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पता है कि एक वेजिटेबल मैंने फर्स्टली फ्राई नहीं की थी, एट द एंड जो है कैबेज इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, बिकॉज बहुत कम टाइम टेकिंग होती है ये। आप इसके बाद 1-2 tablespoons जो ऑयल इस पे डाल दें और ये स्टीम ही कुक हो जाएगी, और हम इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे। और ये देखें यहाँ पे हमारे ऊपर जो हमने कैबेज इसमें डाल दी थी और ये जो है ऑलरेडी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी जो है पास्ता स्पेगेटी जो है हमारी स्टीम हो चुकी है और ये कुक हो चुकी है। हम इसको डिश आउट करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, पास्ता स्पेगेटी जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर पे ट्राई करेंगे इस रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और मैं इतना ही कहूँगी कि आप इसे ट्राई करने के बाद और इसे टेस्ट करने के बाद जो है तमाम स्पेगेटी जो आप किसी रेस्टोरेंट से या बाहर से खाते हैं तो उन सबको भुला देंगे। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एंड द एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी को आपको पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।